बच्चे कर लिए शादी से पहले? शादी कर ले तो बच्चे हो गए दिल्ली में, उसके बाद गाँव के कर रहे, ऐसे करो आप भी। ये भाई बहुत बढ़िया ट्रिक बताई है। मेरा ब्रेकअप हो गया उससे 5 महीने बाद। So tell me about your last boyfriend. मुझे कभी boyfriend नहीं था। Boyfriend नहीं था तुम्हें? कभी नहीं था। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और जरूरी नहीं है कि कियारा आडवाणी आपको लेट कराए, कोई दिन ऐसा भी आ सकता है भाई, आप एकदम बहुत लेट सो के रात को बिना बिल्कुल टाइम से उठ के नहा धो के एकदम सेट हो जाओ, रेडी हो जाओ। और कुछ लोग भाई बिना नहाए धोए यहाँ पे आके रेडी होके बैठे हुए शो ऑफ तो ऐसे कर रही है जैसे कि बिल्कुल एकदम नहा धो के ना क्या ये तो? चलो सुबह सुबह एक झूठ बोल दिया, ठीक है अब और झूठ मत बोलना आज। वैसे भी इसको बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की आदत है। चलो जी निकल गए हम अपने कॉलेज के लिए, ये अपना गेट है, सामने जा रहे 3 बच्चे और। भाई सुबह सुबह ना यहाँ एक दिक्कत और होती है इससे, मतलब अगर किसी का रात को ब्रेकअप हो जाए ना तो अपनी बंदी को बहुत ईजिली मना लेगा अपनी गर्लफ्रेंड को, लेकिन यहाँ ऑटो वालों को मनाना बड़ा मुश्किल है। पहले तो कहेंगे भाई हम जाएंगे नहीं, फिर कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोल देंगे, पैसे जो मुँह में आया 200, 300, 400, 500 जो है ना वो बोल देंगे, 500 रुपये लेंगे। सुबह सुबह भाई गाली चाहिए क्या? चाहिए गाली? सो गाइस हमारी क्लास हो गई है ओवर। और क्लास हो गई ओवर। हाय फ्रेंड्स, ठीक है तो क्लास में भाई क्या करती रहती है? उल्टी क्लियर करते क्या करती? क्लास में हम लोग पढ़ने जाते हैं, ज्ञान लेने जाते हैं, मंदिर है वो, और तो मोबाइल चलाती बैठी है, मस्त मैम भी तुम हो गई। गिर। सो गाइस आज ना मैं एक इंटरव्यू करने वाला हूं, मस्त तुम्हें मजा आ जाएगा ऐसा मेरे को लग रहा है। बाकी वो तो इंटरव्यू पे डिपेंड करता है क्योंकि रैंडम इंटरव्यू करूंगा किसी का भी। और हमारे इंटरव्यू का शीर्षक पता क्या रहेगा? टॉपिक होगा लास्ट गर्लफ्रेंड। अपनी लास्ट गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ, चाहे उसका नाम बता दो या उसके बारे में बता दो कुछ अच्छे शब्द, ये जो भी शब्द हैं अपनी भावनाएं प्रकट करो लास्ट गर्लफ्रेंड के बारे में, रैंडम किसी से भी जाके पूछेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, लास्ट गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, लास्ट बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, लड़कियों से भी तो पूछना पड़ेगा भाई। भैया आना एक बार। सो ब्रो टेल मी अबाउट योर लास्ट गर्लफ्रेंड। एक बार पूरा इसको। अबे भाई क्या चल रहा है? क्या चल रहा है बताओ भाई, सबको पता मेरी गर्लफ्रेंड थी लास्ट, थोड़ा तेज बोलो, दो साल पहले, ठीक है मेरा ब्रेकअप हो गया उससे 5 महीने बाद। और कुछ बस भाई बस, और कुछ कोई भावनाएं अपनी फीलिंग्स? और उसके दोनों एक दूसरे को जानते हैं, मिलते रहते हैं, बट नो कम्युनिकेशन एनीमोर। हे स्मारी बॉय राहुल चक्रवर्ती, टेल मी अबाउट योर लास्ट गर्लफ्रेंड। कोई नहीं है भाई, ओके सो टेल मी अबाउट योर लास्ट बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड नहीं था। बॉयफ्रेंड नहीं था तुम्हें? कभी नहीं था। कहीं नहीं था? अरे यार ओह माय गॉड सो सैड यार। इमोशनल डैमेज। गर्लफ्रेंड थी तुम्हारी? नहीं। वो टेस्ट दूसरा है? नहीं। सो गाइस कॉलेज अपना कंप्लीट हो गया है, कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए, कुछ लोगों का और इंटरव्यू करेंगे, रैंडम लोगों और उठाता हूँ यार। अभी ना अभी तो मैंने ऐसे उठाए हैं जिनको मैं कहीं ना कहीं जानता हूँ, अब ऐसे लोगों को लेके आऊँगा जिनको मैं जानता ही नहीं हूँ, अनएक्सपेक्टेड आंसर भी आ सकता है, तो उसके लिए मैं तो प्रिपेयर हूँ, आप भी प्रिपेयर रहना। और अभी पहले हम हॉस्टल की तरफ जाते हैं और देखते हैं कोई हमें ऐसा इंसान मिलता है। नहीं आपकी गर्लफ्रेंड थी? मैंने करी नहीं गर्लफ्रेंड। क्यों नहीं करी है? क्या बात, क्या करेंगे, पोता पोती हो गए। अरे पहले मतलब कभी तो रही होगी, कोई ऐसा तो होगी अड़ोस पड़ोसन जो पसंद हो। नहीं होता था गर्लफ्रेंड, मतलब कोई पसंद तो आती होगी ऐसे ही अच्छी लगती है। जमाने में नहीं होता था, आप लोगों के जमाने में हो रहा है। मेरी गर्लफ्रेंड थी वो गोलगप्पे बहुत खाती थी। आपकी गर्लफ्रेंड नहीं थी क्या? गर्लफ्रेंड नहीं थी आपकी? गर्लफ्रेंड बहुत आई, बहुत क्या करना बहुत आई। नहीं लास्ट गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बताओ ना मेरे को। लास्ट गर्लफ्रेंड जो है वो है अभी भी? आपने लव मैरिज करी है? हाँ। क्या हुआ? पूछ रहा हूँ वैसे मैं तो, एक्चुअली मैं एक वो मेरे दिमाग में वो चल रहा है, मैं लोगों से पूछू जाके कि अभी लास्ट गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ। लव मैरिज फिर कैसे, घर वालों को कैसे मनाया आपने? घर वाले का? उनके घर वालों को मनाया होगा ना? घर वालों को? हाँ शादी करा दो हमारी जो भी है। ना ना ना। फिर पहले बच्चे कर लिए शादी से पहले? शादी कर ले तो बच्चे हो गए दिल्ली में, उसके बाद गांव के कर रहे। अच्छा पहले बच्चे करके गए सीधे? हाँ यही पर रह रहे हैं। देखो ये करना पड़ेगा हमें भी, उनसे पूछो भी हंस रहे हैं, उनको पूछो भी हंस रहे हैं, ऐसे करो आप भी। ये भाई बहुत बढ़िया ट्रिक बताई है। बताना ना मेरे को बस, आप अपनी ना लास्ट गर्लफ्रेंड के बारे में बता दो। मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। कोई गर्लफ्रेंड नहीं, मतलब कभी कोई ऐसी तो रही होगी जो पसंद हुई होगी आपको? पसंद रही होगी? पसंद भी नहीं आई कोई? बोलने वाली मेरा एक ही वाइफ है, वो भी बिहार में। वाइफ एक है? हाँ। कभी ऐसे पड़ोस में मोहल्ले में दूसरे गांव में रिश्ते? कोई पसंद नहीं आई? पक्का लेकर 9 तक 12 में कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाया।
आप लोयल हो एकदम। नेपाल की नहीं ले जा सकता है भाई, की लड़ाई होगी। मैं जो कह रहा था ये नेपाल को लेके जाके दिखा दे, चाहे दम से होता है शादी करने के लिए। नेपाल को कहीं को भी हो, तू लाके दिखा सकता है नेपाल। मैं बोल रहा हूँ दम से होता है लव मैरिज करना, और ठीक है। सो गाइस, कुछ लोगों का इंटरव्यू लेके वापस आ गया हूँ मैं हॉस्टल में, और अभी मैं अपना ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। बढ़िया, एक नंबर का ब्लॉग है। जब तक ये वाला ब्लॉग आएगा तब तक वो ब्लॉग आ चुका होगा। मैंने जलेबी खा ली, रेडी वाली जलेबी खा ली तो गले में लग गई वो, पता नहीं कि कौन सा डालते हैं वो। तो गाइस, मैं भी फटाफट एक बार ब्लॉग अपलोड कर लेता हूँ और फिर थोड़ी देर सोता हूँ, और फिर शाम को देखते हैं कुछ और लोगों के इंटरव्यूज़ लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या नई नई चीज़ें निकल के आती हैं। सो गाइस, मैंने सोचा था कि थोड़ी देर सो जाऊँगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। एक असाइनमेंट करने लग गया था, मतलब मेरे को नींद नहीं आई। पहले मैं वो देखने लग गया, लॉस्ट इन स्पेस, एक वेब सीरीज़ है, अच्छी है। स्पेस वगैरह में इंटरेस्ट हो किसी का, पहले मैंने बताया था कि भाई अच्छी है उस हिसाब से, तो बाकी सबका अपना अपना टेस्ट है। उसके बाद फिर मैं एक असाइनमेंट करने लग गया था, और भाई अब 8 बज गए हैं, 3 घंटे हो गए मेरे को, 2 घंटे तो मैंने सीरीज देखी है, आधा घंटा असाइनमेंट करते हुए हो गया। सो गाइस, डिनर करके हम आ चुके हैं, और आज हम अभी हम प्लान कर रहे हैं ना एकदम मूवी नाइट का। मूवी नाइट तो नहीं देखेंगे, वेब सीरीज देखेंगे, कॉलेज रोमांस का 3rd सीज़न। मैं सारी चीज़ें तुम्हें बता, भाई क्या अंधेरा हो गया, मैं सारी चीज़ें तुम्हें बताता रहता हूँ भाई, मैं क्या देख रहा हूँ क्या नहीं देख रहा हूँ। लॉस्ट स्पेस देख रहा था, वो बताया तुम्हें, और क्या देख रहा था मैं, और भी कुछ देख रहा था बीच में, उस दिन क्या देखा, हाँ ब्लैक मिरर, ब्लैक मिरर देख रहा है। ये देखो भाई, बंदर देखा, बंदर नकलची बंदर, ये देखो। सो टेल मी अबाउट योर लास्ट गर्लफ्रेंड, तो हम एक टेल मी अबाउट योर लास्ट गर्लफ्रेंड। हाँ जी, अपनी लास्ट गर्लफ्रेंड बंदी के बारे में बताओ। ये देखो, ये चुतड़ी है भैया, ये देखो, खाना पहुंचाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे, फिर अंदर आएंगे, जो हमने डेडिकेट किया हुआ अपने नोट्स बनाने के लिए, यहाँ पे हम सारे अपने नोट्स बनाते हैं, सारे नोट्स में बनाए। यू गाइस आर गुड बिकॉज़ वी आर गुड गाइस। ओके, ये हमने काम करना है जो कि बंदा करके स्कूल का मैप बनाना है, ठीक है। ग्रोथ रेट पता नहीं भाई कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, ना समझ बच्चे ना, इनका वो इनको मैनर्स सिखाए। एक अंधेरा बहुत आ रहा है कमरे में ना, लाइटिंग की बड़ी दिक्कत हो गई है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अभी हम पूरी थोड़ी रूम की थोड़ी सफाई करेंगे, सफाई करने के बाद फिर हम आज वो देखेंगे कॉलेज रोमांस जो मैं आपको पहले ही बता रहा था। तो फटाफट रूम क्लीन करते हैं, मेरे को अकेले को करना पड़ रहा है भाई। इस रूम में 3 लोग मैक्सिमम टाइम आपने देखे होंगे, 2 लोग और आएंगे, ठीक है, वो सब जाके वेब सीरीज देखें, 2 तो चलो हमारे गेस्ट हो गए, 3 लोग परमानेंट यहाँ पे ज़्यादातर टाइम पे ज़्यादातर रहते हैं, बट फिर भी सफाई कौन कर रहा है, ये इंसान अकेला। तो गाइस, ये देख लो मैंने पूरा रूम क्लीन कर दिया है, और बेड भी बहुत बहुत इस पर कपड़े वपड़े पड़े हुए थे सारे हटाए हैं, अलमीरा भी सेट कर दी है, ये देख लो भाई पूरा एकदम सेट कर दिया सिस्टम ना। सो गाइस, हमारा स्क्रीन प्ले हो चुका है स्टार्ट, और लाइट्स कैमरा एक्शन, वाइब आ गई है, न्यू गेस्ट आ गया, चलो भाई। सो गाइस, हमारा इंटरवल हो चुका है, और ये हमारे स्वयं सेवक पूजा। ओ भाई, ओ तूने खिला दिया यार, शिट भाई, ये देखना मेरे बेड पे इसने कॉफी गिरा दी। ये है मेरी ब्राउनी, और अंकुश वो पी रहा है खतरनाक वाली वाइन, दारू बाजे भाई हम बहुत ज़्यादा दारू नशे करते हैं, स्मैक इंजेक्शन विजेक्शन जो भी होते सारे नशे करते हैं, बहुत बड़े नशेड़ी हम, अभी नशे करके दोबारा से देखते हैं वेब सीरीज। तो भाई कुछ नहीं है, ये नॉर्मल चोकोलावा केक है, कहीं तुम बोलोगे भाई पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। सो गाइस, कॉलेज रोमांस का 3rd सीजन हमने देख लिया पूरा कंप्लीट, सभी लोग अपने रूम पे जा चुके हैं। भाई मेरी अभी हो रही है थोड़ी तबीयत खराब, मेरे को पता नहीं सर दर्द हो रहा है, और मैं आके सोया भी नहीं था, तो भाई व्लॉग को फिर यहीं ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अभी मैं भी सो ही जाऊँगा, अंकुश ऑलरेडी सो ही चुका है, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, अंकुश सो गया भाई, झूठ तो बोलने दिया अगर कम से कम। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सो गया था एकदम से उठा है, और अभी फिर से सो गया। तो भाई जैसे कि मेरे को मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो फिर इस व्लॉग को यहीं ख़त्म कर देते हैं,
आज ये गर्लफ्रेंड वाला पार्ट आपको सही लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सारी चीज़ कर देना, और नहीं सही लगा तो भाई कुछ और करेंगे, बट ऐसा कुछ ना लाते रहेंगे। सब लोग नॉर्मल है, सब बोरिंग लोग नहीं बनेगा, क्योंकि भाई अपने पास ज़्यादा कुछ कंटेंट तो होता नहीं है दिखाने के लिए, क्योंकि नॉर्मल लाइफ है अपनी, हॉस्टल में रह रहे हैं, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। मैं भी ऐसे सोना चाहता हूँ, तो फिर इस ब्लॉग को ही ख़त्म करते हैं। लव यू ऑल, बाय, टाटा। लव यू भाई सबको, तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो सारे।